वैसे ये जो गमले में मेरा रजनीगंधा का पुराना प्लांट लगा हुआ है, यानी पिछले साल ये लगाया था और इससे काफी सारे फ्लावर भी मैंने लिए थे। उसका लॉन्ग वीडियो शेयर है, पूरा लगाने से लेकर फूल आने तक नहीं देखा है तो जरूर से लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। दोस्तों रजनीगंधा का जो बल्ब है वो लगाने का सही जो महीना है वो मार्च रहता है, और मार्च महीने में मैंने इसको ग्रो भी किया हुआ है और उस समय मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला था, लेकिन आज लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ और उसका पूरा बताऊंगी ग्रोथ कितनी हुई है एक महीने तक। तो सबसे पहले जो भी आपके एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह है उनको हटा लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें सूखे वाले जो लीव्स वगैरह रहते हैं वो रहते हैं। अब इनके जो बल्ब है उनको आप आराम से निकालिए एक एक करके, या आपका अगर ये क्योंकि पास से बेबी बल्ब्स भी निकल कर आते हैं तो अच्छे से पकड़ कर आपको निकालना है, बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और मतलब इस चीज को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, अगर बल्ब टूट जाएंगे तो आपका फिर से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो आराम से कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए कीजिए इस काम को। रजनीगंधा के जो फ्लावर होते हैं वो डबल पेटल सिंगल पेटल दोनों होते हैं, और अभी इसमें शायद कलर भी आ रहे हैं, मेरे पास कलर वाले नहीं है, बट सिंगल पेटल का भी है और डबल भी है। मैं आप लोगों के साथ काफी सारे रजनीगंधा का अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है मेरा, तो जाकर आप देख सकते हैं। अब मैंने बल्ब को तो निकाल लिया है, अब जो मिट्टी है उसको बहुत अच्छे से सुखाना होता है, क्योंकि ये जो मिट्टी है इसकी जो मतलब पूरा साल ही इसके अंदर ही पड़ा रहता है गमले में, परमानेंट प्लांट की तरह ही ये रहता है, आपका कभी खराब नहीं होगा। और ये दिन ब दिन इसके बल्ब जो है बेबी बल्ब्स बनाता रहता है, और आपने अगर एक भी बल्ब्स लगाया है ना कहीं से लाकर तो आपके पास ढेर सारे बल्ब हो जाएंगे 2-4 सालों में। मैं भी जब लेकर आई थी तो 2-4 बल्ब भी थे मेरे पास, और अब जो है काफी सारे जो है रूट्स हो गए। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते बल्ब भी जो है उसको क्या किस तरह से सही करना है वो देख लीजिए। लीव्स वगैरह है उनको इस तरह से आप पहले तोड़ लीजिए, जितनी भी इसमें जो मिट्टी वगैरह फंसी हुई है उसको जितना आप निकाल पाए उतना आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं, लेकिन जो ये रजनीगंधा के बल्ब है इनको बहुत देर तक पानी में डिप करके मत रखिएगा, उससे जो है इसमें सड़न आने लग जाएगी। इसलिए मैं ज़्यादातर जो है मिट्टी को हल्के हल्के से झाड़ लेती हूँ, बस इसी तरह से आप अगर करेंगे तो काफ़ी है। अब ये मिट्टी 2 दिन के लिए सुखाना है और ये बल्ब भी 2 दिन के लिए सुखाना है। 2 दिन के लिए इसीलिए सुखाती हूँ ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर रहता है वो हल्का सा सूख जाए और हमारा जो रजनीगंधा है वो फिर से अच्छी ग्रोथिंग पे आ जाए। तो इन बल्ब को मैंने 2 दिन तक जो है धूप में रखने के लिए छोड़ दिया है, तो 2 दिन बाद इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसके अंदर रहता है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाता है, और उसके बाद हमें करना है रिपॉटिंग। काफ़ी लोग पूछते हैं इसको क्यों सुखाना है, तो आप देखना कभी भी आप खरीदते भी है ना वो भी बल्ब जो है हल्का ड्राई रहता है, ताकि जो है बल्ब बिल्कुल भी सड़े नहीं खराब ना हो। तो इसीलिए आप 2 दिन तक अगर थोड़ा सा धूप दे के रखेंगे ना आपका जो बल्ब है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और इसी तरह से ही मेरे पास रजनीगंधा काफ़ी सालों से है, और आप लोगों के साथ में अलग से प्लेलिस्ट भी इसीलिए बना रखा है, मतलब आप खुद ही देख लीजिए इतनी अच्छी बाद में फ्लावरिंग होती है ना, जब ये प्लांट हम लोग जब ये बल्ब को थोड़ा सा हल्का सुखा करके ग्रोथ करते हैं मिट्टी में लगाते हैं तो इसमें जो है अच्छे से ग्रोथ होती है, बिल्कुल न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी भी लीव्स वगैरह है वो बिल्कुल भी मत रखिएगा, ताकि हमारा जो ये बल्ब है वो अच्छे से ग्रोथ करे। अब इसके लिए करते हैं मिट्टी तैयार। 2 दिन तक मैंने मिट्टी भी यहाँ अच्छे से सुखा लिया था, आप मिट्टी का जो टेक्स्चर है वो भी देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, क्योंकि मार्च महीने में किया था ये सारा जो काम है मैंने, क्योंकि सही समय मार्च है, लेकिन आप अप्रैल में भी लगा सकते हैं, मई में भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है। और इसे जैसे आपने अभी लगाया तो इसका कोई खराब होगा, या जैसे दूसरे प्लांट जो है शॉक में जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है इसमें। बल्ब के प्लांट आप 1-2 महीना लेट भी हो रहे तो दिक्कत नहीं होती है। तो जितनी मिट्टी है उसका हाफ मैंने यहाँ पर जो है कोकोपीट लिया है, और उसके साथ हाफ मैंने जो है मतलब 50% कोकोपीट 50% वर्मी कंपोस्ट लीजिएगा। अगर आपके वहाँ चिकनी मिट्टी है तो आप 50% तक सैंड भी मिक्स कर लीजिएगा। मेरे यहाँ चिकनी मिट्टी नहीं है तो मैं सैंड नहीं मिक्स करती हूँ, नॉर्मल इसी तरह से ही सालों साल लगा रही हूँ और कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। इसके साथ मैं यहाँ पर 100 ग्राम जितना नीम की खली मिला रही हूँ। नीम की खली मिलाने से अच्छा न्यूट्रिशन
इंजेक्शन भी मिल जाते हैं और साथ में जो है कोई भी इंसेक्ट नहीं लगता। यहाँ 50 ग्राम बोन मील, 50 ग्राम सरसों की खली के साथ में जो है 50 ग्राम हॉर्न मील मिक्स कर रही हूँ। अगर आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें हम नहीं डालना चाहते तो मार्बल डस्ट पाउडर आता है वो, या कैल्शियम पाउडर जो भी आपको मिले उसका 8%, यानी जितना आपका मिट्टी वगैरह मिलाने के बाद जितना बन रहा है उसका 8% तक आपको मिक्स करना है। और उसके साथ मैंने 1 चम्मच साफ फंगीसाइड मिक्स कर दिया। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद जो है गमले में लगा रही हूँ। गमला मैंने यहाँ प्लास्टिक के जो गमले होते हैं वो लिया है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि रूट्स बहुत नीचे तक नहीं जाता है और जो है साइड से बढ़ते हैं बेबी बल्ब्स, तो आप थोड़ा फैला हुआ जगह ही लीजिएगा। ड्रेनेज होल 4 है, उसमें 4 मैंने जो गमले के टुकड़े हैं उनको दिया है। फिर पॉटिंग मिक्स रखा है। अब जो हमने अच्छे से ड्राई कर लिया था थोड़ा बहुत इसको, तो ऊपर का साइड आपको दिख रहा होगा वैसे ही लगाना है, जहाँ रूट्स आ रहे वहाँ रूट्स नीचे की तरफ रहेगा। अब जो है इस तरह से अच्छे से बिठाना है। अगर आपका पुराना बल्ब में बहुत ज़्यादा रूट्स है तो थोड़ा सा कैंची की मदद से आप काट सकते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं है इसलिए मैंने बिल्कुल भी काटा नहीं है। अब इसी के ऊपर वापस से मिट्टी दूंगी, कम से कम 1/2 इंच जितना ऊपर से मिट्टी से ढकना चाहिए जो ये बल्ब है। बहुत ज़्यादा नीचे बल्ब को मत भेज दीजिएगा, इससे होगा ये कि आपका जो प्लांट है वो निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छे से पानी दीजिए और करना है थोड़ा इंतज़ार। 1 महीने के बाद का वीडियो आप देख रहे हैं, अभी तक बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है लेकिन 1 महीने में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और 1 महीने के अंदर मैंने कोई न्यूट्रिशन और नहीं दिया है क्योंकि मिट्टी काफ़ी अच्छे से रेडी किया था और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ है। जो न्यूट्रिशन है वो कुछ दिनों बाद देना पड़ेगा, या 45 डेज के बाद हमें न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, बट अभी तक दिया नहीं है, सिर्फ पानी ही दिया है इस प्लांट में अभी तक। तो बस ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।